हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, कल सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और उसमें क्या हुआ है ये आपको पता चल गया होगा और आप उसके बारे में जान गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हम कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आपको सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन को चैलेंज करना है तो इसकी छूट हम आपको देते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन में कहीं कोई कमी है, वो न्याय संगत नहीं है, तो आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन को चैलेंज कर सकते हो। मतलब कि हम कंपार्टमेंट परीक्षा रद्द नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको एक मौका दे रहे हैं, उनकी नोटिफिकेशन में कमी ढूंढिए और उस कमी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से आप याचिका दाखिल करिए, तब हम सुनवाई करेंगे। बस इतना ही हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मिर्च मसाला लगा के खबरें बनाने वाले और दुनिया भर के लोग मिलेंगे जो आपको झूठी उम्मीदें देंगे। तो बच्चों, मैं आपको सलाह दूंगा कि जो बचा हुआ समय है उसमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अब इतना टाइम नहीं है कि आप कैंसिल करवाने के पीछे भागो और आपका टाइम खिसकता जाए और आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने लायक भी ना बचो। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि जो कुछ भी करना होगा सीबीएसई निर्णय लेगी, आपके हित में निर्णय लेगी, और आपको अपने हित में निर्णय लेने की ज़रूरत है। आपको खुद से पढ़ाई करने की ज़रूरत है, पढ़ाई बंद मत करिएगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई जारी रखे हुए हैं और आधा सिलेबस या कुछ बच्चों का तो दो तिहाई सिलेबस ख़त्म हो गया है। मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना, पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाता है, सही तरीके से आप अपनी तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही आसानी से आप इसको पास कर सकते हैं। आपका मनोबल भले ही कम हो गया हो मेन एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से, लेकिन समय का सही सदुपयोग करें तो एक महीने एक विषय की तैयारी करने के लिए कम नहीं है। अभी भी आपके पास में पर्याप्त समय बचा है। सही स्टडी मटेरियल का चुनाव करिए कि आपको पढ़ना क्या है। अगर आप गलत किताबों में फंस गए, इधर उधर भटकते रहे, तो फिर आप सिलेबस ही नहीं पूरा कर पाओगे। आपके मन पे दबाव बना रहेगा, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, तो सही चीज़ का चुनाव कीजिए। और NCERT है या कोई भी नोट्स है जो आपको अच्छा लगता है, वाट एवर यू हैव एंड यू आर कॉन्फिडेंट इन दैट वन, यू हैव टू गो विद इट। आपको उसी के साथ जाना है जो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, सिलेबस पे बेस्ड हो, तो बस तैयारी करते रहिए। और पास करना कोई कठिन कार्य नहीं है, आसानी से आप पास हो जाओगे, बशर्ते आपका ध्यान इधर उधर ना हो, भटकाव की कंडीशन में आप ना हो बच्चों, तो फिर आपका मन लगेगा पढ़ने में। आपके सिलेबस में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो वास्तव में टफ हैं या आपको टफ लग रहे होंगे। अब आपको करना क्या है, उन टफ पॉइंट्स के पीछे प्रयास करना है कि टाइम आपका कम से कम जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कम समय में आसानी से बटोर सकते हो, तो क्यों ना आपका पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन उस पे होना चाहिए। बच्चों के ढेर सारे मैसेजेस हमको डेली मिलते हैं, चाहे उन्होंने हमारा कोर्स लिया हो या ना लिया हो, व्हाट्सएप पे मिलते हैं कमेंट्स, हमको यूट्यूब पे मिलते हैं, कुछ बच्चे जो हमको पर्सनली जानते हैं वो फ़ोन भी करते हैं। अब देखो, सबकी तीन कॉमन समस्याएं हैं। पहली चीज़ तो सर पेपर टफ आता है, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं, और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पास करना इजी नहीं है। तो पहली चीज़ तो बच्चों के मन में ये भरी हुई है, तो मैं साफ साफ बता दूं आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपके बोर्ड का पेपर आता है नॉर्मल इजी पैटर्न, जैसा भी आपको लगा उसी पैटर्न पे आपका कंपार्टमेंट का भी एग्ज़ाम होता है। बच्चों के मन में ये है कि सर कॉपी चेकिंग टफ होती है, कंपार्टमेंट के बच्चे हैं, तो कुछ भी मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। बल्कि मुझे जो 4-5 सालों से मैं तैयारी बच्चों को करवा रहा हूँ, काफ़ी बच्चे हमारे साथ में जुड़ते हैं, पास होते हैं,
मैं आपको बताऊं कि जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव रहा है बच्चों, वो यही रहा है कि जो मेन एग्ज़ाम है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा इजी ही पेपर आता है। और अगर आपको खुद से टेस्ट करना है तो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे कंपार्टमेंट और मेन एग्ज़ाम का पेपर दिया है और पिछले 7-8-10 सालों का दिया है। आप डाउनलोड कर लो दोनों और कंपेयर कर लो, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें से टफ कौन सा था। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस लेवल तक। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। तो इसमें तो टाइम वेस्ट ना ही करो तो ज्यादा ठीक है, आपका पेपर टफ नहीं आएगा, एवरेज आएगा जैसे पहले आता था, और मतलब आप आसानी से पास कर सकते हो। दूसरी चीज जिसमें बच्चे कंफ्यूज हैं, वो डरे हुए हैं कि इतने कम टाइम में हम तैयार कैसे करेंगे। अरे जब नीट का, JEE का या आपके मेन एग्जाम का पेपर आता है, 2 दिन का टाइम मिलता है, आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेते हो। अभी तो 1 महीने का मिला हुआ है, तो क्यों नहीं कर सकते आप, बहुत आसानी से कर सकते हो। बस धैर्य ना खो और एक साथ में 3 जगहों पे मत भागो। मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ, मैं 10th के साइंस सब्जेक्ट की बात करता हूँ। अगर 10th में आपका कंपार्टमेंट आया है साइंस सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में हो, ऐसे ही सब में होता है, उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। नॉर्मली तो NCERT की बुक में तीनों में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं कि कौन सा फिजिक्स है, कौन केमिस्ट्री है, कौन बायोलॉजी है। बट अगर आप बांटो तो मोटा मोटी तौर पे इन 3 भागों में कुछ चैप्टर्स को बांट सकते हो। फिर कुछ चैप्टर्स लास्ट में ऐसे आते हैं जिनमें इन तीनों का यूज हुआ है। अब अगर आप ये सोच लो कि मैं टफ टफ चैप्टर करूंगा, शुरुआत में ही आपने उठा लिया और आपकी समझ में नहीं है, तो और उसके साथ में आप सोच रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आपने उठाया या रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का चैप्टर आपने उठाया, आपको टफ लग रहा है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है। अब आप सोचोगे, अरे सर मेरा केमिस्ट्री वाला पोर्शन छूट रहा है शुरू में, मैं बायोलॉजी कुछ नहीं पढ़ पाया। अरे तो एक साथ में आप कितनी चीज़ें पढ़ लोगे? अभी 3 रास्ते हों और तीनों पे 3 सामान रखा हो और कोई कहे कि सामान लेकर के आना है, तो क्या करोगे? तीनों पे एक साथ जाओगे? नहीं ना, एक पे जाओगे, सामान लोगे, लौटोगे, आओगे, दूसरे पे जाओगे, सामान लोगे। और इस तरीके से ऐसे ही आपकी पढ़ाई भी है बेटा। जब आप पढ़ते हो तो सिर्फ एक चैप्टर पे कंसंट्रेट करो, पूरा सिलेबस मत देखो। आप देखोगे तो आपको घबराहट होगी। पढ़ने का सही तरीका यही है, एक चैप्टर देखो, उस चैप्टर को पहले ढंग से पढ़ो, उसकी थ्योरी क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उसके एग्जाम्पल्स लगाओ, एग्जाम्पल्स को देखो, सॉल्व करो, और धीरे से उसके बाद में सबसे इजी वाला क्वेश्चन उठाओ, पढ़ो, और ये मान करके पढ़ो कि 2 दिन में हमारा एक चैप्टर तैयार होगा। और 2 दिन में अगर आप डेली 5-6 घंटे पढ़ते हो तो 12 घंटे में 10-15 पन्ने आपके तैयार नहीं होंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आसानी से कर सकते हो, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि आप डरे हुए हो और एक साथ सोच रहे हो, अभी मैथ्स है, अरे सर कैलकुलस वाला पोर्शन छूट रहा है हमारा, मैं आगे का पढ़ रहा हूँ, पीछे मन लगा हुआ। ऐसा कुछ मत सोचो, जो पढ़ रहे हो, अरे जो कुछ भी पढ़ रहे हो ना, उस चैप्टर में से भी तो आता है, तो जो आता है उसको तो बटोरो, इधर उधर मत भटको। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसपे मैं बात करना चाहूँगा, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत पहले से चल रही है, हमारे साथ ही में हमारा कोर्स खरीदने वाले कुछ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमसे 4-3 महीना पहले से जुड़े हैं। मतलब कुछ बच्चे तो जिस दिन उनका एग्ज़ाम हुआ था उसके 4-5 दिन के बाद में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। क्यों? क्योंकि उनको अपनी कमी का एहसास था कि इसमें हमारा कंपार्टमेंट एग्जाम आ सकता है, 1 साल बर्बाद होने से अच्छा है कि आप तैयारी पहले से शुरू कर दो। अगर पास हो गए, बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फिजिक्स का पेपर होने के बाद में, पेपर टफ आया था आपको पता है, कोर्स ज्वाइन किया, अब पता चला कि वो फिजिक्स में तो पास हो गए, मैथ्स में उनका कंपार्टमेंट आ गया, तो प्रॉब्लम
को समझो और अगर आपको पता चल गया तो शुरुआत से स्टडी शुरू कर दो। तो एक तो बात ये है, अब अगर अभी तक भी आप कुछ नहीं पढ़ पाए हो तो भी बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं बीता है, एक महीने का टाइम है। टाइम को एक अच्छे से टाइम टेबल बना लो कि इस दिन मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा और उस पर स्ट्रिक्ट रहो, उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर आपके मान लिया 15 चैप्टर हैं और 30 डेज का टाइम बना लो तो 2 दिन या 1.5 दिन एक चैप्टर पे दो और आधा दिन रिवीजन के लिए रखो जो आपने पिछले दिन पढ़ा है। मतलब 12 घंटे हो गए 2 दिन में, अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ते हो तो आप 9 घंटे पढ़ो अपना वो चैप्टर और 3 घंटे में वो चीज़ें रिवाइज करो जो आपने पहले पढ़ रखी हैं। तो बस सिंपल सा फंडा यही है और आप पास हो जाओगे। और फिर भी आपको ऐसा लगता है तो किसी बड़े की हेल्प ले लो, अगल बगल में कोई आपके बगल में कोई स्टूडेंट हो जो अच्छे नंबरों से पास हुआ हो, या किसी टीचर को पकड़ लो, रिक्वेस्ट करो, कोई ना कोई तो आपकी हेल्प कर ही देगा ना। और अगर फिर भी कोई नहीं मिल रहा है तो मैं हूँ, मुझी से आप संपर्क कर सकते हो। हमारे कोर्स को भी आप खरीद सकते हो, 1,000-1,500 रुपये आपके लिए मायने नहीं रखते अगर आपका 1 साल बच गया। बहरहाल कैसे भी करके इस समय का आपको सदुपयोग करना है, पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। फालतू की चीज़ें बंद कर दीजिए, YouTube वाले आपके काम में नहीं आएंगे। अगर आपका साल बेकार चला गया तो 1 साल फिर से आपको इन्हीं का चैनल देखना पड़ेगा, आप आगे की नहीं सोच पाओगे, 1 साल फिर से हमको वॉच करना पड़ेगा आपको। तो अपनी पढ़ाई करो, ढंग से पढ़ो और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पास कर लो। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके साथ में हैं। हमारे कोर्स की डिटेल्स के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।